हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 25 एंड 50 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 25, 50, और अब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अगर तो इन दोनों नंबर में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये होता है। मुझे कैसे पता, देखें ये रूल होता है चेक करने के लिए कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, इसका तो हमें डायरेक्टली पता है। ठीक है, देखिए अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से है, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 25 को अगर हमने चेक करना है, हमें डायरेक्टली भी पता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो 25 का लास्ट डिजिट जो है 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 50 का लास्ट डिजिट जो है 0 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हमने यहाँ पे 2 ले लेना है। ठीक है, तो 25 वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 2 से। अच्छा, अब 2 के टेबल में हमारे पास अगर आपको डायरेक्टली पता है 50 कितने टाइम्स आता है तो लिख लें। ठीक है, 25 टाइम्स ही आता है। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरह सॉल्व करना है उसको डायरेक्टली, तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 5 को कट करके 4 बना लें। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, तो आप इसे कट करके 4 बना लें। ठीक है, और 2 के टेबल में 4 आ गया, 2s आ। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे था 5, हमने इसको कट करके 4 बनाया, तो इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 10। ठीक है, और 2 के टेबल में 10 आ गया, 5 आए। ठीक है, डायरेक्ट भी पता था, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 25 पहले ही डिवाइड नहीं हो रहा था, अब तो यहाँ भी 25 आ गया, तो 25 2 से डिवाइड नहीं होता, हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। ठीक है, 3 ले सकते हैं, तो 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, 24 आता है, 25 नहीं आता, तो हम यहाँ पे 3 भी नहीं लेंगे। 5 ले सकते हैं, तो यस 5 ले लेंगे, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5s है, और यहाँ पे भी 5 5s है। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ले सकते हैं, तो यस 5 एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे 5 ही लेंगे, 5 5s 5 और 5 1s 5। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, एलसीएम किस किस का फाइंड आउट किया, वो यहाँ पे लिखी है, एलसीएम ऑफ 25 एंड 50 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख दें और इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5s 10 10 5s 50, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 50 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या आया, 25 और 50 का 50 आ गया। तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। बात की जाए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास है ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, अगर 8 और 12 की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अलग अलग नंबर्स के। इसमें क्या किया था, दोनों नंबर्स को इस तरह लिखा था, सेंटर में कोमा और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, इसमें अलग अलग नंबर के करने हैं, पहले इसके जैसे 8 के, ठीक है, देन 12 के, उसके बाद जो है सारा आपने ये लिख लेना है, फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 12, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। ठीक है, इसके फैक्टर्स इसके सामने, इसके फैक्टर्स इसके सामने, फिर जो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखें, फिर 2 आ रहा है उसको एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, कॉमन तो हमने लिख लिए, अब जो नॉन कॉमन है, ये दोनों नॉन कॉमन है ना, उनको भी लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये होता है हमारे पास एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें ये है कि अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास वैल्यू सेम है, फिर आप एलसीएम का कोई भी मेथड फॉलो कर लें, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कर लें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, या बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कर लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 25 और 50 की, मैं एलसीएम फाइंड आउट कर रही हूँ बाय डिवीजन मेथड नहीं, बल्कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से, तो भी आंसर यही आएगा। आप करके देख लें, आप 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, देन 50 के करें, उसके बाद जो कॉमन है उनको लिखें, जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखें, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करें, तो 50 ही आएगा। ठीक है, समझ आया कि अगर आपके पास वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो आप एलसीएम का कोई भी मेथड फॉलो करें, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम बात करें एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो सेम
जो है वो उसमें भी हम यही काम करते हैं कि पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसी तरह सेम लिखने के बाद बस इधर एसीएफ आता है। और एक और डिफरेंस है इसमें और उसमें क्या होता है कि उसमें जो है हमारे पास कॉमन आते हैं सिर्फ, और उनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, जो नॉन कॉमन है ना उनको नहीं लिखते। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये थ्री नंबर्स हैं मेरे पास, चलें इनसे देख लें कि इसमें हमारे पास क्या है। 16 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, 24 के कर लेने हैं, 36 के कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह देखिए मैंने बताया था ना, सेम उसी तरह ही है जैसे एलसीएम का होता है, सारा कुछ आपने लिख लेना है। फिर जो कॉमन आ रहा है टू उसको लिख लेना, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लिया एक दफ़ा टू। अब ये सारे नॉन कॉमन है तो आपने इनको नहीं लिखना। ठीक है, समझ आया, सिर्फ कॉमन को लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एलसीएम और एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। दोनों के मेथड सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है एंड पे जाके। ठीक है, अच्छा एक और बात, जो एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता है कि इसमें ये होता है कि अगर इधर है, इधर है, इधर नहीं है ना, तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया, टू इधर है, इधर है, इधर नहीं है, एक और टू इस लाइन में, तो हमने कॉमन नहीं लेना। ठीक है, कॉमन सिर्फ वो लेंगे जब हम तीन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, एसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, सिर्फ अगर इधर है, इधर है, इधर है तो कॉमन लेना, अदरवाइज़ नहीं लेना। लेकिन एलसीएम में अगर हम इसी के ही तीन नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें ये होता है इधर है, इधर है, इधर नहीं भी है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड होता है। ये हमारे पास एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड था। ठीक है, और जो हमने अभी वीडियो में सॉल्व किया, जो मैंने आपको भी सिखाया है, वो क्या था, एलसीएम बाय डिवन मैथड। तो होप्स आपको इन सब की समझ आ गई होगी, इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।